सेक्टर 10 भिलाई में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सिंह के द्वारा युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश पिल्ले की उपस्थिति में सेक्टर 10 ए मार्केट, बी मार्केट और सड़क 28 में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान सभी स्थानों पर वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष पार्षद सुभद्रा सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई, साथ ही बच्चों में मिठाइयों का वितरण भी किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। देखिए, आज गणतंत्र दिवस था, इस अवसर पर हमारे यहाँ जोनल मार्केट में आज 26 जनवरी का झंडा फहराया गया है। तो निश्चित तौर पर पूरे मार्केट के प्रकोष्ठ के सभी युवा साथी और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सभी यहाँ उपस्थित होकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम तो पूरी ज़िंदगी चलते रहेगा, और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग आपसी भाईचारा के साथ रहें और एक दूसरे का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि जीवन में सबसे मेन है सम्मान रूप से सभी को देखा जाए और सभी का सम्मान और बच्चों को प्यार, यही चीज़ मैं हमेशा करती आई हूँ। और निश्चित तौर पर ये इस बार के इलेक्शन के बाद में पहला कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुई हूँ, तो मैं सभी को आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे 700 के लगभग वोट जिताया, और निश्चित तौर पर मेरे को एक बार फिर से मौका आप लोगों की सेवा के लिए दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभद्रा सिंह लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, इसमें हमेशा काम करते रहेगी, हर बहनों के लिए काम होता रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर सभी प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं ये जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है, हमारे देश के शहीद जवान और देश में जो ये जो जवान है हमारे, उनको संबोधित करना चाहता हूं। हम एक क्षेत्र में जो जनता की सेवा करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ते, तो हम समझ सकते हैं कि वो अपनी अपनी जान की बलिदान को देकर के देश के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, वो हमारे देश के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे हीरोज हैं। और आज हमारे जो 26 जनवरी के कार्यक्रम में सड़क नंबर 28 में हम हमारी वार्ड की पार्षद आदरणीय श्रीमती सुभद्रा सिंह जी के साथ यहाँ पे झंडा फहराने आए हुए हैं, और चुनाव के बाद जनता ने इतना भव्य जो जीत उनको दिया है, सब जनता को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं, बधाई भी देना चाहते हैं, और उन सबके साथ जो है आज हमने झंडा वंदन किया है, बहुत ही खुशी हो रही है, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी इस तरीके से उनका आशीर्वाद बने रहे और हम इसी तरीके से सब साथ में यहाँ पर आते हैं। अंकुश पिल्ले, दुर्ग जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष।